गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। टुडे इज माय बर्थडे। आई जस्ट वांटेड टू विश यू अ हैप्पी बर्थडे। यस, एंड मैं अभी मतलब 2 घंटा पहले ही उठी थी एंड नाउ मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। उसके बाद थोड़ा सा काम करना है मुझे। हमारी वीडियो जो आ रही है नेटफ्लिक्स के साथ, उसकी क्लिप्स मुझे सेलेक्ट करनी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ अपना दिन कैसा जाता है आज। तो गाइज, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है। मम्मी पापा ने मुझे 1 वीक पहले ही गिफ्ट कर दिया था, सॉलिटेयर रिंग। एंड आई थिंक ये मेरा पहला ही ऐसे ज्वेलरी परचेज भी होगा। एज इन लाइक मैंने परचेज नहीं किया, मुझे गिफ्ट मिला है, बट स्टिल। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे। सो गाइज, मैंने शॉर्ट सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया है एंड इट्स ऑलरेडी 11 एंड मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। सो अब मैं काम करूँगी। सो गाइज, अब मेरा काम ख़त्म हुआ है एंड बच गए हैं 4। मेरा प्लान था कि मैं जाकर मसाज कराऊंगी, 2 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम। बट 5 घंटे लग गए मुझे शॉर्ट सिलेक्शन करने में। तो अब बस मेरे पास रेडी होने का ही टाइम बचा है। सो कोई नहीं यार, काम ज्यादा जरूरी है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। पापा रेडी हो गए हैं। पायल के पास चलते हैं, पायल रेडी हो रही है। बर्थडे गर्ल। हाय गाइस, मेरा फर्स्ट आउटफिट सुबह के बाद। ये मेरा प्लान था दोपहर में पहनने का, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। सो आई एम लाइक मैं इसको थोड़ी देर के लिए पहनूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन फिर भी पहनूंगी क्योंकि नए कपड़े। वाओ, टीना इज सरप्राइज। वाओ वाओ वाओ। और बाय द वे, टीना ने मेरे को 6 ड्रेसेस गिफ्ट करी है। 6 जो कि अभी तक पायल ने छू के भी नहीं देखी। जी, छू के भी नहीं देखी, क्या करें। और हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर, टू हैव अ बफे इन रिजेट होटल। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है डेल। तो पायल और मैं वहाँ पे बहुत बार ही डिनर कर चुके हैं एंड हमें हमेशा अच्छा लगता है, बट हमने वहाँ का बफे कभी नहीं किया एंड पापा को बफे बहुत पसंद है। सो मैंने सोचा कि सब पूरी फैमिली जाती है, बफे करते हैं। Everybody will be happy. So guys, we are ready and अब हम जा रहे हैं बर्थडे डिनर के लिए। Yes. पापा ड्राइव कर रहे हैं और हम डीजल भरवा रहे हैं। मम्मी बैठी हैं केक के साथ। मम्मी इसको दबा तो नहीं रही हो ना? आप दबा रही हो केक को। Oh no. मुझे दे दो। पालो ना। क्या हुआ, मेरा केक खराब हो गया क्या? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा था। पापा स्मार्ट बन के गाड़ी चला रहे हैं मस्त। दिखा केक, दिखा जो तू इमरजेंसी में बनवा के लाई। नहीं नहीं, अभी नहीं दिखाएंगे। या एक्चुअली आई हैव, जब खोलोगे ना तब दिखाएंगे। Thank you.
केक बड़ी अच्छी बात कही आप खा लिया है और पेट भर गया और फूल भी गया है। वाओ। यस। पायल दीदी के ले ले फोटो ये सोफे पे बैठ। इधर कोने पे। ये आई रहा। अच्छे से सर। ये फोटो ही क्या रही है? आप ही सारा फोटो खिंचवा ली। बहुत अच्छी आ रही है फोटो। अच्छी फोटो है। आपके बोलों के लिए क्या कहोगे? हम लोगों ने बहुत सारा खाना खा लिया, डिज़र्ट भी खा लिया और मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, सॉरी। एंड हम लोगों ने पिक्चर्स भी क्लिक कर ली है। सो अब हम जा रहे हैं घर। काफ़ी अच्छा दिन था, काफ़ी प्यारा सा दिन था। एंड थैंक यू सो मच इतना इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। एंड दिस वॉज अमेजिंग बोथ डे। कैसा लगा सबको? पापा आपको कैसा लगा? खाना तो अच्छा था, खाने लायक था। बाय द वे हम लोग खीर रेस्टोरेंट में गए थे, रोजियट होटल में। गुलकंद आइसक्रीम कह रहे हैं फेमस है हमारे यहाँ की डेजर्ट। गुलकंद अलग से रख दिया और आइसक्रीम रख दी, कह रहे गुलकंद आइसक्रीम हो गई। अच्छा हुआ पापा ने अपना एक कैरेक्टर साइड में कहीं रखा हुआ था। पापा एक गाड़ी में ही छोड़ के आए थे। बच्चों पनीर टिक्का कैसा लगा आपको? इट वाज फाइन। अच्छा नहीं था। मेरे को तो अच्छा नहीं था। पनीर अच्छा नहीं था। पनीर टिक्का मैंने खाया, पनीर बहुत हार्ड था, पनीर सॉफ्ट नहीं था।